एशिया कप 2022 में टीम इंडिया फाइनल तक भी नहीं पहुंच पाई। भारत को पहले पाकिस्तान ने, उसके बाद श्रीलंका ने मात दे दी। पूरे टूर्नामेंट में रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम की सबसे कमजोर कड़ी उनकी गेंदबाजी रही। टीम के पास केवल 3 गेंदबाज थे। वहीं जसप्रीत बुमराह के चोटिल होने के बावजूद मोहम्मद शमी को टीम में नहीं लिया गया। इस फैसले की हर तरफ आलोचना हो रही है। मोहम्मद शमी के कोच बदरुद्दीन सिद्दीकी का भी मानना है कि एशिया कप जैसे महत्वपूर्ण टूर्नामेंट के लिए उनके शिष्य को नजरअंदाज करना भारतीय टीम को काफी भारी पड़ा है। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान टीम के चयन पर काफी सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि शमी ने आईपीएल में शानदार प्रदर्शन कर अपनी टीम गुजरात को चैंपियन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऐसे में जब बुमराह जैसे गेंदबाज चोटिल होने की वजह से टीम में नहीं थे, तो शमी जैसे अनुभवी गेंदबाज को नजरअंदाज करना उनकी कुछ समझ में नहीं आया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मुझे लगता है कि एशिया कप में हार से और मैच में जो खराब प्रदर्शन हुआ है, उससे चयनकर्ता अब शमी को टीम में लेने के लिए सोचेंगे। टीम इंडिया के पूर्व कोच रवि शास्त्री भी कह चुके हैं कि मैं हैरान हूं कि शमी को टीम में क्यों नहीं लिया गया। शास्त्री टीम इंडिया के कोच रह चुके हैं, शमी के गेंदबाजी को जानते हैं और टीम इंडिया को भी बहुत अच्छे से समझते हैं। ऐसे में अगर वो शमी के चयन न होने पर सवाल उठा रहे हैं, तो सभी को इस बारे में सोचना चाहिए। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए।